हेलो हेलो ओके तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आकाश एक्सप्रेस में। और आज दोस्तों हम यहाँ पर जो टॉपिक करने वाले हैं, या कह सकते हो कि जिसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से हमने उसका बेसिक पढ़ा। अच्छा, आपको बता दो दोस्तों कि आप लोगों का जो ऑफर है होली का, वो अभी भी वैलिड है और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च तक। ठीक है, तो 31 मार्च तक आप सभी लोग अभी भी दोस्तों हमारे साथ एज इट इज जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हरीश एक्सप्रेस और आकाश एक्सप्रेस और साहिल एक्सप्रेस आपके निर्धारित समय 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे चलती है। ठीक है, आप सभी लोग इसको जुड़िए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिक से बढ़िया तरीके से, तो 3 बजे, 6 बजे और 10 बजे आप रात में क्लासेस कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और आप सभी को पता है एप्लीकेशन पर भी दोस्तों अपने बैचेस चल रहे हैं, ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। जितने लोग लोग रेडी हैं वो सभी लोग मुझे रेडी कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम सभी लोगों ने यहां पर सिलोजिज्म का बेसिक पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, हर स्टेटमेंट के कितने निष्कर्ष होते हैं, कब सही करना है, कब गलत करना है, कब डाउटफुल करना है, ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद पॉसिबिलिटी का केस पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करे, आइदर और के सारे केसेस पढ़े, किसमें आइदर लगता है, किसमें नहीं लगता है, और उसके बाद दोस्तों उसके भी कुछ क्वेश्चंस करे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा आप सभी लोगों के लिए अगर एक प्रैक्टिस सेशन और हो जाए, वो भी प्रीवियस ईयर का, है ना, तो यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आज यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। मैं आपके लिए दोस्तों एसएससी के भी लेकर आया हूं, रेलवे के भी है। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा कि एसएससी है कि रेलवे है, देखो आपको एसएससी रेलवे से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कि सिलॉग्स का क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, वो किसी भी एग्जाम का हो सकता है। ठीक है ना, तो रेडी हैं सभी लोग, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। और आज एक प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं सिलोजिज्म के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। उसके बाद अगले दिन यानी कि कल परसों में हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एसएससी से शुरू करते हैं, राष्ट्र में रेलवे तक होते हुए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, समय है 30 सेकंड। देखो जरा आप इसको लगा सकते हो क्या। चलो देखो क्या कर सकते हैं इसमें। यहां पर दोस्तों बोला जा रहा है कोई भी एक्स एस में नहीं है, तो एक्स का कोई भी हिस्सा कभी भी एस में नहीं जा सकता। ये एसएससी एमटीएस 2023 लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जे एक्स में है, तो सारे के सारे जे उठाकर हमने एक्स में रख दिए, जितना बोला उतना ही किया, कुछ एस एक्स में नहीं है। क्या दोस्तों एस का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि एक्स में नहीं है? मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कभी दोस्तों नू की बात करते हैं, तो नू में सम नॉट की बात सही होती है। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों कोई भी एस कभी भी एक्स में नहीं जा सकता, तो एस का कुछ हिस्सा भी एक्स में नहीं जाएगा। तो ये बात क्या हो गई? सही हो गई। कुछ जे एस में नहीं है, दोस्तों जे का तो एस के साथ क्रॉस लगा है, तो अगर जे पूरा का पूरा कभी भी एस में नहीं जा सकता, तो उसका कुछ हिस्सा भी नहीं जा सकता। सही है। और दोस्तों कुछ जे एक्स में नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि पूरा ही जे एक्स में है। तो आंसर आएगा पहला और दूसरा जो कि हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया भाई सभी को? चलो आ जाओ एक और देख लेते हैं दोस्तों 30 सेकंड में फटाफट से। सीजीएल 2023, एसएससी सीजीएल 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन,
ये लेवल है भाई आपका, एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, एसएससी से शुरू करेंगे और रेलवे पे जाके खत्म करेंगे उसको। हाँ चलो भाई, समय समाप्त, आ जाओ। देखो दोस्तों यहां पर क्या है, कूलर का कुछ हिस्सा किसमें, मिक्सर में, मिक्सर का कुछ हिस्सा किसमें, सीजर में, सीजर का कुछ हिस्सा किसमें, नाइफ में। कुछ नाइफ मिक्सर में है क्या, कह नहीं सकते, डाउटफुल। कुछ सीजर कूलर में है क्या, डाउटफुल। कुछ नाइफ कूलर में है क्या, डाउटफुल, कह नहीं सकते। और कोई भी नाइफ मिक्सर में नहीं है दोस्तों, नाइफ का कोई भी हिस्सा मिक्सर में नहीं, डाउटफुल। तो सारे के सारे क्या हो गए, फॉलो नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा दे, नन फॉलो। ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा देंगे, नन फॉलो। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखो, क्या कहीं पर भी आइदर और का कोई केस तो नहीं लग सकता है? देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं है? देखते जाओ जरा सभी लोग ध्यान से, फिर से चेक कर लो। मुझे तो भाई गड़बड़ लग रही है, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। आप देख लो बाकी आपके हिसाब से, मुझे तो 100% गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। एग्जाम का क्वेश्चन है सीजीएल का, और कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी इन लोगों ने। चलो मैं बताता हूं, देखो फिर से देखो। नाइफ का कुछ हिस्सा मिक्सर में है, नाइफ का कुछ हिस्सा मिक्सर में है, डाउटफुल। कुछ सीजर कूलर में है, कुछ सीजर कूलर में है, डाउटफुल। कुछ नाइफ कूलर में है, कुछ नाइफ कूलर में है, डाउटफुल। कोई भी नाइफ मिक्सर में नहीं है, कोई भी नाइफ मिक्सर में नहीं है, कह नहीं सकते, डाउटफुल। सारे के सारे दोस्तों डाउटफुल हो गए। अब जरा ध्यान से आप दोस्तों देखिए, जरा आप देख लो पहला और चौथा, जरा पहला और चौथा देखो। पहले और चौथे में दोस्तों सम के साथ में नो का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो सम और नो का केस बन रहा है। उसके बाद नाइफ के साथ नाइफ है, मिक्सर के साथ मिक्सर है, दोनों डाउटफुल है। तो कल क्या बताया था कि जब भी कभी सम के साथ नो का केस आएगा, सब्जेक्ट सेम होगा, प्रेडिकेट सेम होगा, दोनों डाउटफुल, तो आंसर क्या लगेगा? आंसर आएगा दोस्तों इसका आइदर। किसमें आइदर? वन और फोर। तो आंसर होगा या तो पहला या तो चौथा, होगा कि नहीं होगा? अब जरा ध्यान से देखो दोस्तों, इन लोगों ने, एग्जामिनेशन वालों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। और आपको पता है इस क्वेश्चन के ऊपर क्लेम गया था, और जब क्लेम किया गया था तो उसके फिर जो भी मार्क्स वगैरह है या फिर जो भी चीजें थी उसके बाद कार्रवाई हुई थी। तो आप ध्यान से देखिए, देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और नन ऑफ द फॉलो। दोस्तों नन ऑफ द फॉलो का मतलब क्या होता है? कोई भी फॉलो नहीं करता, जबकि दोस्तों पहला और चौथा फॉलो कर सकता है, लेकिन दोनों में से एक करेगा। आंसर होगा इसका कौन सा? आइदर वन और फोर। एक्चुअली इन्होंने गलती क्या करी थी, एक्सेप्ट इन्होंने ये करा भाई, गलती क्या करी थी मैं आपको बता दूं, गलती ये थी कि यहां पर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए था? नन ऑफ द अबव, लिख लो भाई इसको। यहां पर होगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अब मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नन फॉलो कर दोगे तो वो कहेंगे भाई इनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, जबकि दोस्तों फॉलो कर सकता है। आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आंसर आप सी लगा सकते हैं, लेकिन सी में आंसर कौन सा आएगा? आइदर वन और फोर का आएगा, आइदर वन और फोर का आएगा। समझ गए? नन ऑफ द अबव होना चाहिए था, चलिए ऑप्शन ही नहीं था उसके अंदर, तो क्या करते हैं स्टूडेंट। चलो एक और ले लो भाई, सीएचएसएल 2023 का देख लो। ठीक है भाई, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, गलतियां सब करते हैं, और ऐसी ऐसी करते कि भाई क्या ही बताएं। चलो आ जाओ, क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए सारे के सारे दोस्तों जो फ्रूट है वो किसके अंदर है? वेजिटेबल के अंदर है। सभी वेजिटेबल आलमंड के अंदर है, यानी कि बादाम के अंदर है। ये बताइए कुछ वेजिटेबल फ्रूट में है? सही है। सभी आलमंड वेजिटेबल में है? कह नहीं सकते दोस्तों, डाउटफुल है। और कुछ फ्रूट आलमंड में है? बिल्कुल सही है दोस्तों, फ्रूट तो सारे आलमंड में सारे हैं, तो कुछ भी होंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई? पहला और तीसरा सही है। तो आंसर आएगा पहला तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो सीपीओ 2022 का ले लेते हैं, देखो जरा इसमें क्या है, फिर रेलवे के भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं।
भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं ना यार, इसमें हमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई रेलवे के सिलॉग्स अलग होता है कि एसएससी का सिलॉग्स अलग होता है ना। देखो भाई सारे के सारे क्वीन, सारे के सारे क्वीन किसमें है, किंग में है। उसके बाद कुछ किंग एस में है, उसके बाद कुछ किंग क्वीन में है। दोस्तों किंग का कुछ हिस्सा क्वीन में है, बिल्कुल सही है। सभी क्वीन एस में है कह नहीं सकते। आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और आ जाते हैं, जीडी 2023 देखो जरा, एसएससी जीडी 2023। जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से सारे आप क्वेश्चन कर लोगे, इसके कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। चलो देखो यहां पर बोला जा रहा है सारे के सारे दोस्तों जो बॉक्स है वो किसके अंदर है, पेन के अंदर है। कुछ बॉक्स जो है वो जग में है, ध्यान रखिएगा, और कुछ जग जो है वो ग्लास में है। ठीक है, जितना बोला उतना बना दिया। अब ये बताइए दोस्तों यहां पर कोई भी ग्लास बॉक्स में नहीं है, कोई भी ग्लास बॉक्स में नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, कोई क्रॉस तो है नहीं इसके अंदर। कोई भी ग्लास बॉक्स में, सॉरी 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 माफी चाहूंगा दोस्तों, कुछ ग्लास बॉक्स में है, ग्लास का कुछ हिस्सा बॉक्स में है ऐसा कह नहीं सकते दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। उसके बाद कोई भी ग्लास बॉक्स में नहीं है, कोई भी ग्लास बॉक्स में नहीं है ऐसा कह नहीं सकते दोस्तों, क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और कुछ जग पैन में है, जग का हिस्सा पैन में, सही है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ओनली थ्री फॉलो। तो आंसर क्या लगा देंगे हम, ओनली थ्री फॉलो, है ना। फिर गड़बड़ कर दी ये एसएससी वाले, कर रहे हैं गड़बड़, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। क्यों बोले जरा देखो, इसको सम के साथ में नो का केस है, गिलास गिलास बॉक्स बॉक्स दोनों डाउटफुल, तो क्या दोस्तों आइदर नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ओनली थ्री एंड आइदर वन और टू फॉलो, ये होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ओनली थ्री एंड वन और थ्री फॉलो, इसके लिए इसका आंसर सी जो है वो गलत है, एसएससी का आंसर सी है, ठीक है, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ओनली सी एंड वन एंड थ्री फॉलो, ओनली सी एंड आइदर वन एंड थ्री फॉलो, ठीक है, आइदर लगेगा पहले और दूसरे में, तो ये गलत ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलिए गलतियां होती रहती है, कोई बात नहीं, आप सही चीज सीखिए वो जरूरी है, सही चीज सीखिए वो जरूरी है। आप अपनी तरफ से सही करते रहो, बाकी फिर क्लेम कर देना बाद में, आप कहीं कर सकते हो। देखो भाई क्या कर सकते हैं इसको, आइए समझते हैं। देखो टीचर का कुछ हिस्सा किसमें आ जाएगा, स्टूडेंट में, सारे स्टूडेंट किसमें हैं, लड़कियों में, बस खत्म। सभी टीचर गर्ल हैं, सभी टीचर गर्ल हैं कह नहीं सकते, डाउटफुल है। कुछ गर्ल टीचर हैं, कुछ गर्ल टीचर हैं, सही है। कुछ गर्ल स्टूडेंट हैं, सही है। सभी स्टूडेंट टीचर हैं, सभी स्टूडेंट टीचर हैं कह नहीं सकते, आंसर आएगा दूसरा और तीसरा, और दूसरा और तीसरा दिया हुआ है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। एक और लो, स्टेनोग्राफर 2022 देखो जरा, चलो देखो क्या कर सकते हैं, आइए दोस्तों। कर्टेन यानी कि पर्दे का कुछ हिस्सा पिलो, पिलो 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 मतलब कि तकिया,
कुछ कोई भी पिलो बेडशीट में नहीं है, कोई भी पिलो बेडशीट में नहीं है, और कुछ कर्टन बेडशीट में है। लो फंस गए। अब दोस्तों कर्टन का कुछ हिस्सा बेडशीट में रखना है, कैसे रखे भाई? देखो इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो अपन एक काम करते हैं, यहां से इसको ऐसे 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 कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्टन का कुछ हिस्सा बेडशीट में भी होगा और कर्टन का कुछ हिस्सा पिलो में भी होगा, ये तो बोला गया है। और अगर आप चाहो तो दोस्तों इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। देखो ऐसे बना दो, कर्टन को कर दो दोस्तों बीच में, तो कर्टन का कुछ हिस्सा पिलो में है, तो कर्टन का कुछ हिस्सा दोस्तों किस में आ गया? पिलो में आ गया। और कर्टन का कुछ हिस्सा बेडशीट में है, तो कर्टन का कुछ हिस्सा बेडशीट में आ गया, ऐसे बन सकता है। और कोई भी पिलो बेडशीट में नहीं है, तो पिलो का कोई भी हिस्सा बेडशीट में, ऐसे बना सकते हैं। ये बना लो चाहे पहले बना बना लो, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से, कोई भी कर्टन बेडशीट में नहीं है दोस्तों, बेडशीट का कर्टन का कुछ हिस्सा तो आपस में है, 100% गलत है। ये बताइए कोई भी पिलो कर्टन में नहीं है, पिलो का कोई भी हिस्सा कर्टन में नहीं है, ऐसा भी नहीं है भाई, 100% गलत है, क्योंकि पिलो का तो कुछ हिस्सा हमेशा कर्टन में रहेगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा कुछ बेडशीट कर्टन में है, क्या दोस्तों बेडशीट का कुछ हिस्सा कर्टन में है क्या? अब देखो यहां पर आप देखोगे दोस्तों, तो कर्टन का कुछ हिस्सा बेडशीट में है, तो बेडशीट का भी कुछ हिस्सा कर्टन में बिल्कुल होगा। और कुछ पिलो कर्टन में है, क्या दोस्तों कर्टन का कुछ हिस्सा पिलो में है? हाँ, तो पिलो का भी कुछ हिस्सा कर्टन में रहेगा, जी हाँ बिल्कुल रहेगा। तो कौन सा आंसर आएगा? तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, अगला ले लो। चलो भाई 2023 का क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, 20 सेकंड। पूजा सिंह कह रही गुरुजी आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है। ये बेटा एक्चुअली अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि ये थोड़ी महंगी वाली टी शर्ट है, ठीक है। सस्ता सस्ता हम वैसे भी पहनते नहीं है, थोड़ी महंगी वाली टी शर्ट है। यहाँ पर जैसे हमारे क्या है, मेरा जो मेन रोड पर मकान है, तो यहाँ पर क्या है रोड से काफी यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह जो है लेके निकलते हैं, तो ये जो है 33 रुपए में पर टी शर्ट, 33 रुपए हर माल बिकेगा 30 रुपए में, ये समझ लो। तो मैंने इसको 28 रुपए में ली थी उसमें, क्योंकि मैंने एक ली थी ना, तो उसने बोला आप इतनी ज्यादा ले रहे हो तो चलो आपको डिस्काउंट दो, 28 रुपए में ली थी मैंने ये, पता है। देखो सारे के सारे दोस्तों जो चेन है वो किसके अंदर आ जाएंगे? सर्कल के अंदर आ जाएंगे, और कोई भी चेन स्क्वायर में नहीं है, तो चेन का कोई भी हिस्सा दोस्तों स्क्वायर में नहीं है, ध्यान रखना चेन कोई भी स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। सर्कल का पता नहीं भैया हमें। अच्छा कुछ सर्कल स्क्वायर में है, सर्कल का कुछ हिस्सा स्क्वायर में है कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कुछ सर्कल चेन में है, जी हाँ दोस्तों सर्कल का कुछ हिस्सा चेन में, सही है। ओनली टू फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और आ जाओ, चलो फटाफट से उड़ाओ उसको भी। चलो देखो यहां पर दोस्तों डेस्क का कुछ हिस्सा किसमें आएगा? ट्रे में। कुछ ट्रे प्लेट में है, कुछ प्लेट डेस्क में। ले यार फिर ये यार उल्लू बनाते हैं यार बार 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 बार, है नहीं तो प्लेट का कुछ हिस्सा डेस्क में है, प्लेट का कुछ हिस्सा कैसे बना दें अब इसको? फिर वही बात है, फिर वही बनानी पड़ेगी। देखो डेस्क का कुछ हिस्सा किसमें है? ट्रे में है। ट्रे का कुछ हिस्सा प्लेट में, और प्लेट का कुछ हिस्सा डेस्क में। दोस्तों ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे करके ये है हमारे पास प्लेट, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना प्लेट का कुछ हिस्सा डेस्क में और प्लेट का कुछ हिस्सा डेस्क ट्रे में, ये रहेगा, और ट्रे का कुछ हिस्सा प्लेट में है ना। देखो कुछ डेस्क ट्रे में है, कुछ डेस्क ट्रे में है, कुछ ट्रे प्लेट में है, कुछ ट्रे प्लेट में है, कुछ प्लेट डेस्क में है, कुछ प्लेट डेस्क में है। गलती से भी इसको ऐसे मत बना देना, अगर आप ऐसे बना देते हो तो आप गलत हो जाओगे, आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां पर तीनों का हिस्सा एक दूसरे में आ जाएगा, ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। ये संभावित डायग्राम है, ये वाला सही डायग्राम है, ठीक है। चलो देखो यहां पर सभी डेस्क प्लेट में है, नहीं कह सकते भाई, डाउटफुल है। सभी प्लेट डेस्क में है, कह नहीं सकते भाई, डाउटफुल है। सभी ट्रे, डाउटफुल है। उसके बाद कुछ प्लेट ट्रे में है, कुछ प्लेट ट्रे में है, सही है। तो आंसर क्या आएगा? ओनली 3 फॉलो।
अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये पहला वाला, दूसरा वाला, चौथा वाला इतनी जल्दी कैसे कर दिया, आपने पूरा पढ़ा भी नहीं और आपने डाउटफुल कर दिया उसको, क्यों कर दिया? चलो मैं बताता हूं दोस्तों क्यों कर दिया, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बात बताओ जरा सभी लोग ध्यान से सोच समझ के, अगर आपके पास दिमाग है तो, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो दोस्तों सम ए आर बी और मैं आपसे बोलूं सम बी आर सी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, बी का कुछ हिस्सा सी में है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए का सभी हिस्सा बी में है, मैं आपसे पूछूं कि ए का सभी हिस्सा सी में है, मैं आपसे पूछूं बी का सभी हिस्सा सी में है, मैं आपसे पूछूं सी का सभी हिस्सा ए में है, तो आप क्या करोगे? अब सुनना ध्यान से, अगर दोस्तों हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट अगर सम के हैं तो सम के केस में ऑल की बात दोस्तों कभी फॉलो ही नहीं करती, क्योंकि सम के केस में ऑल की बात केवल संभावना में फॉलो कर सकती है, क्योंकि जब डायग्राम ही सम का है तो ऑल की तो बात ही नहीं है कहीं पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सम के केस में ऑल वाले निष्कर्ष वैसे ही डाउटफुल हो जाएंगे बिना देखे, समझ गए ना? तो ये भी ऑल 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 ऑल, तो ऑल वाली बात सबके सब क्या हो जाएगी? डाउटफुल। हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें सब में पॉसिबिलिटी लिख दूं, सब में अगर मैं संभावना लिख दूं, तो फिर अब ये सारे सही हो जाएंगे। बोलो क्यों? सभी ए के बी में होने की संभावना है, बोले हाँ संभावना है। सभी ए के सी में होने की संभावना, बोले हाँ संभावना। तो संभावना में सब सही हो जाएंगे, क्लियर हो गया? तो इसलिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, देखो यहां पर क्या किया अपन ने, इसी टेक्निक को यूज किया, सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे, सम सम सम, और सम के केस में ऑल वाली बात हमेशा क्या होगी? डाउटफुल ही होगी। तो इसको मैंने दोस्तों देखते साथ क्या कर दिया, नॉट फॉलो में लगा दिया, तो बचा हमारे पास केवल कितना, तीसरा वाला, और कुछ प्लेट ट्रे में है वो हमने चेक कर लिया, आंसर आ गया भाई हमारे पास। आई बात समझ में सबको कि नहीं आई? क्लियर है? आ जाओ फिर, चलो एक और सीजीएल का करते हैं, इसके बाद रेलवे के क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं कि भाई रेलवे के क्वेश्चन ने कौन सा बड़ा झंडा गाड़ा था इसमें, है ना? रोहित सैनी कह रहे हैं कुछ वाले में ऑल वाला कभी फॉलो नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलना है रोहित, ऐसे नहीं कि मतलब ये कभी वाला कॉन्सेप्ट मत लाया करो, इतने ज्यादा कट्टर मत बना करो कि सम के केस में ऑल वाला कभी फॉलो नहीं कर सकता। ऐसे नहीं करना है जैसे अपन अपने गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूं, ऐसा नहीं होता है। ऑल सम के केस में ऑल का निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, बट कभी नहीं करता गलत है, संभावना में कर सकता है ना? तो कभी नहीं कर सकता ऐसा नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी है उसके करने की, तो आप कभी नहीं कर सकते नहीं बोल सकते, है ना? ऐसा मत बोलना कभी भी। देखो वो काली गर्लफ्रेंड के साथ चल सकता है, मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकता। देखो ए का कुछ हिस्सा टी में है, टी का कुछ हिस्सा एच में है, ठीक है भाई। ये बताइए कोई भी टी ए में नहीं है, एक टी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है, 100% गलत। कोई भी एच टी में नहीं है, कोई भी एच टी में नहीं है, 100% गलत। कोई भी ए एच में नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नाइदर, यानी कि कोई भी फॉलो नहीं करता। अब यहां पर देखो फिर से हमने एक टेक्निक सीखी, क्या सीखी भाई? देखो दोस्तों ये क्या है, सम के केस है, कितने क्या है, सम के केस है। आप कोई भी सम का डायग्राम बना लो, कोई भी सम का डायग्राम बना लो, सम के डायग्राम में नेगेटिव वाली बात फॉलो नहीं करेगी, केवल संभावना में कर सकती है। फिर से सुनो, सम के केस में नेगेटिव वाली बात फॉलो नहीं करेगी। अब कैसे, इसको ऐसे समझो, सम का मतलब क्या हुआ, कुछ, कुछ का मतलब कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जिसमें नो या नॉट का प्रयोग ना हुआ हो, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर दोस्तों स्टेटमेंट हमारे सारे पॉजिटिव है, स्टेटमेंट हमारे सारे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली बात उससे कभी निकल ही नहीं सकती, सॉरी कभी नहीं निकल नहीं सकती, कभी नहीं, कभी तो निकल सकती है, संभावना निकल सकती है ना? तो देखो भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अगर स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वाली बात उसमें हमेशा डाउटफुल होगी या फिर गलत होगी, पॉसिबिलिटी में सही हो सकती है। ये क्लियर हो गया भाई सबको? इसलिए मैं सीधे सीधे इसको नाइदर कर सकता था, पक्की बात है। चलो अब दोस्तों देखते हैं कि रेलवे ने क्या क्या तीर गाड़े। चलो भाई 10 क्वेश्चन अपन ने लगा लिए एसएससी के, अब देखते हैं जरा रेलवे को, ठीक है? आ जाओ भाई रेलवे, रेलवे ग्रुप डी 20 सेकंड, रेलवे ग्रुप डी 2018
20 सेकंड। सर जी सम प्लस सम नॉट में, नहीं सम प्लस सम नॉट में सम नॉट तो आ गया ना, तो नॉट का मतलब क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली फिर तो हो सकती है बात, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इधर आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है सारे के सारे जो ब्रूम है, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, वो प्लास्टिक है, ठीक है, सभी प्लास्टिक हैंडल में है, सभी प्लास्टिक हैंडल में है, ठीक है। अब ये बताइए सभी ब्रूम हैंडल में है, जी हाँ बिल्कुल सही है, कोई भी प्लास्टिक ब्रूम नहीं है, कोई भी प्लास्टिक ब्रूम नहीं है, 100% गलत। दूसरी बात कि ऑल के स्टेटमेंट यानी कि पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाली बात वैसे भी सही नहीं होनी, तो आंसर क्या आएगा, ओनली वन फॉलो सी ऑप्शन। ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है। आओ अब देखते हैं दोस्तों आरपीएफ 2018 में क्या पूछा गया, कबूतर पूछा गया भाई इसमें, चलो देखो सारे के सारे तोते कबूतर में हैं और सारी की सारी चिड़िया भी कबूतर में हैं, तो सारी की सारी चिड़िया भी कबूतर में आ गई। कुछ पैरेट बर्ड है, कुछ पैरेट बर्ड है कह नहीं सकते, डाउटफुल, और कुछ बर्ड डोव में है, कुछ बर्ड डोव में सही है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। काफी लोगों ने इसका आंसर डी लगा दिया जो कि गलत हो गया, मुझे पता है डी वालों ने क्या किया, मैं बताता हूं डी वालों ने क्या किया, डी वालों ने बहुत सही लगा दिया, कैसे लगा दिया मैं बताता हूं, उन्होंने क्या करा, सारे के सारे जो पैरेट हैं वो डव में हैं और सारी चिड़िया डव में है, तो ऐसे बना दिया सारी चिड़िया डव में है, यही करा ना, फिर कुछ पैरेट बर्ड में है, कुछ पैरेट बर्ड में, बोले हाँ सही है, और कुछ बर्ड डव में, बोले हाँ सही है, तो उन्होंने सही कर दिया है। अबे यहां पर सारी चिड़िया डव में है कि डव सारे आपने चिड़िया में कर दी, आप खुद देखो और हमारा देखो भाई, सारी चिड़िया हमारी डब में है और आपके सारे डब चिड़िया में आ गए, सारी चिड़िया को डब में बनाना था ना, क्या कर रहे हो। चलो अगला प्रश्न, यही तो करना है। चलो एएलपी 2018, एएलपी 2018, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें आइदर लगेगा, चलो देखो ये बताइए पॉन्ड्स का कुछ हिस्सा लेक में है, लेक का कुछ हिस्सा रिवर में है, रिवर का कुछ हिस्सा सी में है, कुछ सी लेक में है कह नहीं सकते और कोई भी सी लेक में नहीं है कह नहीं सकते, दोनों डाउटफुल हैं, सम के साथ नो का केस है, सी सी लेक ले क्या लगेगा, आइदर लगेगा भाई, आइदर वन और टू, तो चलो भाई रेलवे ने आइदर लगा दिया, सही कर दिया, ठीक है, तो रेलवे ने एसएससी की तरह तो नहीं किया कम से कम। चलो आ जाओ आरआरबी जेई 2019, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सर जब सभी बर्ड पैरेट है तो सम कैसे हो सकता है, प्रीति इसका मतलब, प्रीति बेटा आपने हमारी पहली क्लास नहीं करी ना, अगर आपने पहली क्लास नहीं करी होगी तभी आप ये बात पूछ रहे होंगे, है ना। प्रीति ने पूछा कि सर जब सारे के सारे बर्ड पैरेट में हैं तो फिर कुछ बर्ड पैरेट में कैसे होगा, ये बात समझ में नहीं आई, है ना। देखो बेटा प्रीति होता क्या है, आप जैसे मान लीजिए इस समय पर एक कमरे के अंदर बैठे होगे, बैठे हो तो आप पूरा एक कमरे में हो, ये बात सही है, तो अगर मैं बोलूं कि आप पूरा एक कमरे में हो तो क्या आपका कुछ पार्ट कमरे में है, तो आप क्या कहोगे, नहीं सर कुछ नहीं है पूरा है, तो कुछ कहां है, बोले सर वो कमरे के बाहर है, हम पूरा कमरे के अंदर है लेकिन हमारा हाथ कमरे के बाहर है, पैर बाउंड्री में है, सर हमारा गार्डन में है, पेट हमारा कहीं और सड़क पे घूम रहा है, ऐसा है क्या, लेकिन हम पूरा कमरे में है। बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि जब हम पूरा का पूरा किसी चीज के अंदर होते हैं तो हमारा कुछ पार्ट भी उसी में अंदर ही तो होगा,
बाहर तो होगा नहीं, तो जब ऑल की बात आती है तो सम की बात उसमें ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाती है ना। तो अगर बर्ड का सारा हिस्सा पैरेट में है तो कुछ बर्ड पैरेट में है, हाँ बिल्कुल सही है, बाहर तो नहीं है, उसके अंदर ही होगा, तो ऑल के केस में सम की बात हमेशा फॉलो करती है। ठीक है, चलो बेटा इधर आ जाओ। अब देखो क्या कह रहा है, सारे के सारे जो गैस हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, वाटर के अंदर आ जाएंगे। कुछ स्टोन गैस में है तो स्टोन का कुछ हिस्सा दोस्तों मैंने गैस में लगा दिया, उसके बाद यहां पर सभी स्टोन लिक्विड में, तो सारे के सारे स्टोन दोस्तों मैंने लिक्विड में लगा दिए। ये बताइए कुछ वाटर स्टोन में है, क्या वाटर का कुछ हिस्सा स्टोन में है, जी हाँ बिल्कुल सही है। कुछ गैस लिक्विड में है, कुछ 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 गैस लिक्विड में, बिल्कुल सही है। और कोई भी स्टोन वाटर नहीं है दोस्तों, स्टोन का कुछ हिस्सा तो वाटर में है, 100% गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, पहला और दूसरा जो कि हमको दिया ए में, आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाइए एक और ले लेते हैं, एनटीपीसी 2016। एनटीपीसी 2016 मैं पूछा गया क्वेश्चन, चलो देखो सारी की सारी जो तबला है वो इंस्ट्रूमेंट में है और सारे इंस्ट्रूमेंट पियानो में है। ठीक है, सभी पियानो इंस्ट्रूमेंट में है, सभी पियानो इंस्ट्रूमेंट में है कह नहीं सकते, और सभी तबला पियानो में है, बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा ओनली टू, यानी कि सी वाला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ भाई एक और, देखिए यहां पर पिन का कुछ हिस्सा शार्प में है और सारे के सारे जो शार्प हैं वो मेटल में है। ये बताइए सभी मेटल पिन में है क्या, कह नहीं सकते, और कुछ मेटल शार्प में है क्या, बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा दोस्तों ओनली टू फॉलो, ये है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बात समझ सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं भाई, ओनली टू है ना। चलो एक और आ जाओ, एक और आ जाओ, चलो इसको देख लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। कुछ गर्ल लेडीज में है तो दोस्तों गर्ल का कुछ हिस्सा लेडीज में हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही लड़कियां लेडीज हैं। सभी गर्ल वुमेन में है, सारी की सारी गर्ल किस में है, वुमेन में है, ठीक, और सभी लेडीज फीमेल हैं, सारी की सारी लेडीज किस में है दोस्तों, फीमेल में है। अब यहां पर पक्की बात है कि इन्होंने हिंदी में गड़बड़ करी होगी, तो भैया मेरे एक काम करो, इसको कर लो लेडीज, कुछ लड़कियां दोस्तों लेडीज हैं, ये लेडीज है, सभी लड़कियां वुमेन है, ये वुमेन कर लो। और सभी लेडीज महिलाएं हैं, कुल मिला के आप लोग इसको जो है ध्यान से कर लो, इंग्लिश से तो ज्यादा सही रहेगा ना, इंग्लिश वाले से कर लो तो ज्यादा सही है, इन्होंने सब महिला बना दिया। ठीक है, ऐसे बनेगा इसका, चलो उसको देखते हैं। कुछ वुमेन गर्ल हैं, क्या दोस्तों वुमेन का कुछ हिस्सा गर्ल में है, सही है। कुछ गर्ल फीमेल में है, कुछ गर्ल फीमेल में है, सही है। कुछ वुमेन लेडीज में है, कुछ वुमेन लेडी में है, सही है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑल फॉलो, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये बताओ ये इतनी सारी चीजें लिख दी यार इन्होंने, देखो एक तो इन्होंने लिखा लेडी, एक इन्होंने लिखा दोस्तों वुमेन,
एक इन्होंने लिखा है फीमेल और एक इन्होंने लिखा है गर्ल, और पता चला सबकी जगह पर इन्होंने लिख दिया महिलाएं महिलाएं महिला, एक जगह लड़की लिख दी। तो गर्ल तो दोस्तों लड़की हो गई, लेकिन यार लेडी को भी महिला बोलते हैं हिंदी में, बात तो सही है, वुमेन को भी हिंदी में महिला बोलते हैं और फीमेल को भी दोस्तों महिला बोल दिया। तो ये बताओ फिर हिंदी में अपन फर्क कैसे करेंगे कि कौन सा लेडी है कौन सा फीमेल है कौन सा वुमेन है, बताओ। कोई बता सकता है इसमें लेडी वुमेन और फीमेल को हिंदी में फिर कैसे बोलेंगे? अगर सबको महिला बोलेंगे तो फिर दोस्तों इसमें लेडी वुमेन और फीमेल को अलग अलग कैसे करेंगे? देखो वुमेन का मतलब तो दोस्तों होता है औरत, ठीक है, वुमेन का मतलब होता है औरत। देखो भाई ध्यान से, ये पता है कि नहीं पता आपको, वुमेन का मतलब तो दोस्तों होता है औरत, ठीक है, वुमेन का मतलब होता है औरत। अब आता है सो लेडी, लेडी का मतलब होता है महिला, ठीक है ना। अब आता है उसको फीमेल, तो मुझे बताओ फीमेल का मतलब क्या होता? तो फीमेल का दोस्तों मतलब होता है स्त्री, क्या होता है स्त्री, ठीक है। कह रहे सर फीमेल तो जेंडर होता है, तो हिंदी में क्या बोलोगे, जेंडर। तो फीमेल मतलब स्त्री, लेडी मतलब महिला और वुमेन मतलब औरत। अब आप कहोगे सर औरत और महिला में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, रिस्पेक्ट का डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप किसी के कहते हैं ना ए औरत इधर आओ, तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप कहते हो ए महिला इधर आइए, या आपने किसी से बोला देखिए वो जो महिला जा रही है वो जो औरत जा रही है, दोस्तों लेडी जो है ये एक रिस्पेक्टेड शब्द होता है। ये जो लेडी अभी हमारे सामने से निकली तो, या फिर ये जो वुमेन अभी, तो वुमेन जो है दोस्तों उसमें रिस्पेक्ट की भावना कम होती है, और जो लेडी है उसमें रिस्पेक्ट की भावना ज्यादा होती है, और जो फीमेल है ये जेंडर बताता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है ना। तो तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। चलो भाई आ जाओ भाई, आरआरबी एएलपी 2018 30 सेकंड का क्वेश्चन, फटाफट से आंसर। सर रिस्पेक्ट की स्पेलिंग गलत कर दी आपने, रिस्पेक्ट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। ओ रिपेक्स, रिपेस्ट लिख दिया, रिस्पेक्ट की भी डिसरिस्पेक्ट हो गई। चलो यार देखो क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर देखो सारे के सारे दो फल फ्रूट हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, बोले ट्री के अंदर आ जाएंगे, और कुछ ट्री जो है वो बर्ड यानी कि पक्षी में हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ बर्ड ट्री में है, हाँ सही है, और कुछ ट्री फ्रूट में है, सही है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ फॉलो यानी कि वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। बस देखो इस तरह के क्वेश्चंस करा के मैं आप लोगों का दोस्तों मोटिवेशन डाउन नहीं कर रहा कि आपको सर इतने आसान क्वेश्चन, मैं तो आपको ये दिखा रहा हूं कि भाई प्रीवियस ईयर में क्या लेवल पूछा गया है, चाहे एसएससी उठा लो चाहे रेलवे, ठीक है। हाँ समटाइम्स किसी किसी शिफ्ट में बढ़िया सा क्वेश्चन आ भी जाता है, लेकिन जितना हमने पढ़ा ये इसीलिए आपको आसान लग रहा है क्योंकि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से, तो इसलिए आपको आसान लग रहा है और लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, ब्लड रिलेशंस बेटा पढ़ा चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं। चलो देखो कोई भी सोप ट्री में नहीं है, तो सोप का दोस्तों कोई भी हिस्सा कभी भी ट्री में नहीं जा सकता। सभी ट्री रोड में है, सारे के सारे ट्री दोस्तों रोड के अंदर है, ठीक है, और कुछ ट्री रोड में है,
कुछ ट्री रोड में है, बिल्कुल सही है, सभी रोड ट्री में है कह नहीं सकते, और कोई भी रोड सोप में नहीं है। दोस्तों रोड का तो हिस्सा सोप में ऐसा तो नहीं कहा गया, ट्री का हिस्सा सोप में नहीं है, बट रोड का कोई भी हिस्सा सोप में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते भाई, रोड का तो सोप के साथ कोई भी क्रॉस नहीं लगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और लो। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने बोला ना कि किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो थोड़ा सा बढ़िया वाला होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग शायद गलत भी कर दें, अब देखो देखते हैं भाई कितने लोग गलत करते कितने लोग सही, और कितने लोगों को ये दूसरा वाला समझ में भी आएगी नहीं। दूसरा वाला दोस्तों जितना आप आसान समझ रहे हो समझने में उतना है नहीं ये, इसका बेसिक समझ लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि ये फंसा लेता है। देखो इलेक्ट्रीशियन का कुछ हिस्सा किसमें आ जाएगा, प्लंबर में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रीशियन का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारे पास प्लंबर में हो गया, सभी प्लंबर मैकेनिक्स में है, तो सारे के सारे प्लंबर किसमें आ गए, मैकेनिक में आ गए, जितना बोला उतना बना दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई। अब आती है बात कि कुछ मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन या प्लंबर हैं। अब देखो भाई दोस्तों कुछ मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन या प्लंबर हैं, तो एक काम करो आप थोड़ी देर के लिए ये या वाली बात छुपा लो, सोचो ये हमारे पास है ही नहीं, केवल इतना बताओ कुछ मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन हैं, कुछ मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन हैं, बोले हाँ सही है, तो ये बात तो दोस्तों सही है, तो सही तो सही होगी। अब आता है दूसरा, अब दूसरा जब आप कर रहे हो तो पहली वाली बात दोस्तों छुपा लो, क्या कुछ मैकेनिक प्लंबर है, क्या मैकेनिक का कुछ हिस्सा प्लंबर है, हाँ वो भी सही है दोस्तों, तो इसका मतलब कि दूसरी वाली बात भी सही है। अब दोनों को जोड़ दो, क्या कह रहा है कि कुछ मैकेनिक या तो इलेक्ट्रीशियन में है या तो प्लंबर में है, क्या ये बात सही है गलत है कि डाउटफुल है, सोच समझ के आंसर देना, मजा आ जाएगा भाई सोच समझ के आंसर। मुझे पता है आप में से सोचना समझने की क्षमता बहुत कम लोगों में होगी, लेकिन फिर भी आपको देना पड़ेगा सोच समझ के आंसर। मैं फिर कह रहा हूं अभी भी अपना आंसर चेंज कर लो, काफी लोग कह रहे हैं सर ओनली वन फॉलो, पहला वाला फॉलो करवा रहे हैं, और दूसरा वाला, दूसरा है दोस्तों सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक नहीं है, सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक नहीं है, तो ये बात सही है कि गलत है। मैं फिर कह रहा हूं सोच समझ के आंसर दे दो तो अच्छा लगेगा। नहीं मानोगे मतलब आंसर वही दोगे, आपको नहीं लग रहा दोस्तों पहला वाला गलत है, आपको नहीं लग रहा कि पहला वाला गलत है। अब कुछ लोग कहने लगे हां सर ना इधर होगा डी वाला, चलो खैर पहला छोड़ो पहले दूसरा समझते हैं दोस्तों, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए दोस्तों नॉट ऑल इलेक्ट्रीशियंस आर मैकेनिक से आप क्या मतलब समझे, इसका आप इसका क्या मतलब समझे, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक नहीं है, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं, है ना। देखिए भाई अब समझना मेरी बात जो मैं आपको समझाऊंगा, दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, सभी मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन नहीं है, एक तरीके से यही तो लिखा है कि ऑल ए आर नॉट बी, यही लिखा है ना, सभी मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन नहीं है, ऑल ए आर नॉट बी, यही मतलब हुआ इसका। देखिए दोस्तों ऑल ए आर नॉट बी को मैंने इस तरीके से बना दिया, मुझे बताना ये सही है या गलत है, बस इतना बताओ। देखो ये समझ लो ये सीख लो तो अच्छा होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों ये जो मैंने बनाया सही है कि गलत है। सभी मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन नहीं है, यानी कि कोई भी सॉरी सभी ए बी नहीं है, ये सही है कि गलत है, बस इतना बताओ ये सही है कि गलत है। ये सही है कि गलत है, सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, ये सही है कि गलत है। तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, ठीक है, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, सबका एक जैसा आंसर आना चाहिए, तब तो फिर इस क्लास में पढ़ने का फायदा है, वरना इस क्लास में पढ़ने का कोई फायदा नहीं।
अब देखो ध्यान से दोस्तों, सभी ए बी नहीं है तो ऑल ए आर नॉट बी, अगर आपने ये बनाया है तो आप गलत हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपने डायग्राम बनाया है दोस्तों, ये डायग्राम तो इसका होता है, नो ए इज बी का। तो आपको क्या, हाँ सर, तो उसमें क्या फर्क है? सभी ए बी नहीं है और कोई भी ए बी नहीं है, ये एक ही बात तो है। या आप कह सकते हो सर एक ही जैसा तो लग रहा है, तो लगने से थोड़ी होता है। आप समझे मेरी बात दोस्तों? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है आज समझिए आप लोग, क्या फर्क है? देखिए, सबसे पहली बात, जो डायग्राम आपने बनाया वो नो ए इज बी का है, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। देखो इसका फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास ए है जिसमें तीन लोग हैं, और एक हमारे पास दोस्तों बी है जिसमें तीन लोग हैं। बात समझना, सेम यहां पर है, ए है जिसमें तीन लोग हैं और एक बी है जिसमें भी दोस्तों तीन लोग हैं। समझ गए? अब देखो, अगर मैंने आपसे बोला कोई भी ए बी नहीं है, मतलब इस पूरे के पूरे ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, चाहे फिर वो एक हो, दो हो, तीन हो, पूरा हो, यही तो मतलब हुआ। यानी कि ना तो एक जाएगा, ना तो बी जाएगा, ना तो तीसरा, ना चौथा, कोई नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, हमने उसको क्रॉस कर दिया, ये हमने समझा हुआ है। अब बात आती है सभी ए बी नहीं है, जितना बोला जाए बस उतना ही मानकर चलो। दोस्तों सारे के सारे ए बी नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ऑल, सारे ए बी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सारे ए बी नहीं है, लेकिन क्या दोस्तों कोई एक उठकर बी में नहीं जा सकता है? उसने किसको मना किया? उसने सभी को मना किया ना, कि सारे ए बी नहीं है तो सारे ए बी में नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं जाएंगे तो एक तो जा सकता है, दो तो जा सकते हैं, यानी कि उस पूरे ऑल का सम पार्ट तो जा सकता है। जा सकता है, नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो अब आप कहोगे तो फिर सर इसका डायग्राम कैसा बनेगा? तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सर इसका फिर डायग्राम ऐसा बनेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें तो हमें यह पता चल रहा है कि कुछ ए बी में है। क्या हमसे ऐसा बोला गया कि कुछ ए बी में है? ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि सभी ए बी में नहीं है, इतना बना के दिखाओ कि सभी ए बी में ना हो, ऐसा कुछ बना दो कि सारे ए बी में ना दिखे आपको। जबकि यहां पर तो हमको ये दिख रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, ऐसा बोला नहीं गया, बट ऐसा हो सकता है, ये संभावित डायग्राम है। तो इसका रियल डायग्राम क्या बनेगा? देखो भाई समझो, सुनना मेरी बात ध्यान से, और दोस्तों अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंचे तो तालियों के साथ वापस मेरे साथ पहुंचाना उसको, उस बात को समझाना मुझे, भाई आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। सभी लोग ध्यान से दोस्तों, यहां पर कवि ने बोला, तो कविता करने लगा मैं तो है। देखो दोस्तों, यहां पर अगर मैं ए का, सुनना ध्यान से, ए के कुछ हिस्से का क्रॉस लगा दूं बी के साथ, ए के कुछ हिस्से का क्रॉस लगा दूं बी के साथ, तो आप मुझे बताइए सभी ए बी में नहीं है, क्या ये चीज इसमें फॉलो हो रही है? हाँ या ना? सारे ए बी में नहीं है, बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि ए का जब कुछ हिस्सा बी में नहीं है तो ए का सारा हिस्सा तो बी में कभी जा ही नहीं सकता। तो बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो यहां पर कुछ पार्ट का क्रॉस अगर आप लगा देते हो तो ये होता है इसका रियल डायग्राम, ये इसका बेसिक डायग्राम। यानी कि दोस्तों ऑल ए आर नॉट बी का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब सेम वही होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि सम नॉट। क्या होता है दोस्तों? सम नॉट। सम नॉट को ही कहते हैं ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ऑल ए आर नॉट बी यानी कि सभी ये नहीं है का मतलब सम नॉट होता है। तो इसका डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, ये समझ में आया? यानी कि सभी ए बी में नहीं जा सकते। हाँ, कुछ जा सकता है, वो जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता, बट ये बनेगा। ठीक है ना? तो ये होता है दोस्तों इसका सही डायग्राम। ठीक है, और ये होता है इसका सही डायग्राम। तो यहां पर भाई ध्यान रखना सभी लोग कि नॉट ऑल भी लिखते हैं या फिर ऑल नॉट भी लिखते हैं, सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक नहीं है का मतलब क्या पूछ रहा है? वो बेसिकली दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि सम मैकेनिक आर नॉट इलेक्ट्रीशियंस, है ना? नहीं, अच्छा उल्टा लिख दिया, सम इलेक्ट्रीशियंस आर नॉट मैकेनिक, ये पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? कि कुछ इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक में नहीं है। तो क्या दोस्तों आपको ऐसे कुछ इलेक्ट्रीशियन दिख रहे हैं जो कि मैकेनिक में नहीं है? नहीं कह सकते। तो फिलहाल दोस्तों आंसर इसका डाउटफुल है, मुझे आंसर से कोई आपत्ति नहीं थी आपके,
आपत्ति थी कि आपने उसको सही समझा कि गलत समझा। तो समझना दोस्तों सही गलत जरूरी है, ये समझ में आया आपको भाई? ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि देखो आप गलती कैसे हो सकती थी, गलती ऐसे हो सकती थी कि मान लीजिए दोस्तों कि ऐसा कुछ होता, मान लो ऐसा कुछ होता कि यहां पर कोई इलेक्ट्रीशियन होता है ना, और मान लो दोस्तों यहां पर कोई हिस्सा होता किसी का भी ए का, और यहां पर मैं क्रॉस कर देता मैकेनिकल के साथ, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए नॉट ऑल इलेक्ट्रीशियंस आर मैकेनिक्स, सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में नहीं है, तो आप कहते सर इलेक्ट्रीशियन का सारा हिस्सा मैकेनिक में, बोले ऐसा तो नहीं कह सकते, डाउटफुल है। जबकि दोस्तों देखा है तो ये अब सही आ रहा है, क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में कभी जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसका ये वाला हिस्सा कभी नहीं जा सकता, यानी कि कुछ इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का ये वाला हिस्सा जो है वो कभी मैकेनिक में नहीं जा सकता। तो ये चीजें दोस्तों हमें समझना जरूरी होती है, यही सब चीजें मैं आपको जो सिलोजिज्म के हाई लेवल होते हैं उसमें पढ़ाता हूं, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है भाई। खैर फिलहाल दूसरा वाला डाउटफुल हो गया, पहला वाला क्या होगा दोस्तों? सम मैकेनिकल, सम मैकेनिक्स आर इलेक्ट्रीशियन, हाँ ये सही था, और सम मैकेनिक्स आर प्लंबर, ये भी सही था। तो कुछ मैकेनिक्स या तो प्लंबर में या तो मैकेनिक्स में है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलो इज द करेक्ट आंसर भाई। कुछ मैकेनिक्स या तो प्लंबर में है, हाँ सही है, और या तो उसमें, ये भी बात सही है, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ये समझ में आ गया भाई सभी को? क्लियर हो गया? ठीक है चलिए दोस्तों, ये था आज का पूरा सेशन जहां पर हमने सिलॉक्स को अब लगभग कह सकते हो लगभग पूरा कर लिया, कुछ भी ऐसा नहीं बचा। हाँ बैंकिंग लेवल का या फिर थोड़ा अपर लेवल का बचा, लेकिन आपके रेलवे एएलपी और टेक्नीशियंस के माध्यम से जिसके लिए ये क्लास है कंप्लीट पूरा हो चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अगर आप में से अभी भी दोस्तों कोई भी पूरा का पूरा सिलेबस रीजनिंग का पढ़ना चाहता है तो 31 मार्च तक मेरा जो बैच है जिसमें ये पूरा संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं रीजनिंग का रेलवे के इन सभी एग्जाम्स के लिए, ये सारे एग्जाम्स इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। उसकी जो फीस है दोस्तों वो 31 मार्च तक केवल और केवल 499 में ही आपको मिल जाएगा, उसके बाद ये फीस दोस्तों बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा ठीक है। 31 तारीख रात 12 बजे तक, यहां पर एक साल की वैलिडिटी है, एक साल तक संपूर्ण पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, ये सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे, दोबारा आपको फिर से रीजनिंग कभी जिंदगी में नहीं पढ़ना, ये मेरा वादा है आपसे। सब कुछ वहां पर बेसिक भी हो रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पीडीएफ मिलती है, ई बुक्स में आपको दे रहा हूं हर एक टॉपिक की। अगर आपको लगता है कि मुझे संपूर्ण कंप्लीट फाउंडेशन चाहिए जिसमें रीजनिंग भी हो, जीके जीएस भी हो और मैथ्स भी हो, तो ये भी आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको मैथ्स रीजनिंग जनरल साइंस जीके करंट अफेयर ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी, इसकी भी जो फीस है वो भी अभी कम है, इसकी फीस केवल केवल 1899 है 31 मार्च तक, जहां पर आपको ये सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। करना क्या है आपको? आपको सभी कोर्सेज के लिए डाउनलोड करना है क्विक ट्रिक्स बाय साइलसर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, सामने भी लिंक दिया हुआ है आप जाके चेक कर सकते हो, फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, आप पहले फ्री क्लासेस कर लो जाके, डेमो क्लासेस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हैं ठीक है। पेड पेज पे जाइए, बढ़िया तरीके से डाउनलोड करिए इसको और कूपन कोड लगा देना, तभी आपकी फीस कम हो जाएगी, और उसके बाद आपका व्हाट्सएप पर आएगा पेमेंट लिंक, ध्यान रखिएगा, तो व्हाट्सएप पर जो पेमेंट लिंक जाएगा आप उसको कर सकते हैं ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे और उसके बाद 7 बजे, आज 7 बजे भी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट सेशन होगा, आके जरूर देखिएगा हम क्या करते हैं उसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, जय हिंद।